Ram Ram, good evening. Please give Shailesh Lodha a bigger round of applause. He's there. You know, Shailesh Lodha किसी introduction के मोहताज नहीं है, किसी तारुक के मोहताज नहीं है. But just to set the context right, he is India's highest paid poet. I want to tell you that it's not about money, it's about the impact. Money in life is a consequence of the impact and quality that you do. He's also an actor. He's also the most favorite person in my home. I have two grown-up children. I won't go more into what makes him famous. And he's also a motivational speaker and in his own way, a social change agent. He has a column that he writes for a leading newspaper. And he's always globe-trotting. So Shailesh ji, pehli baat to ye bahu aayami pratibha ke liye श्रेय किसको जाता है? आपकी वाइफ को जाता है, माँ बाप को जाता है या मेरे जैसे दोस्तों को जाता है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे तकलीफ से बचाने के लिए, बिकॉज इट स्टार्टेड इन इंग्लिश, आई थॉट व्हाट डिड आई स्पीक इन इंग्लिश, बट एनीवेज आपने हिंदी में शिफ्ट करके मेरे लिए बहुत आसानी कर दी. आप लोगों को एतराज़ न हो तो मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि मैं सोचता हिंदी में हूँ और मैं जिस भाषा में सोचता हूँ मैं उस भाषा में बोलना पसंद करता हूँ. स्वाभाविक रूप से मेरे मुँह से वही भाषा निकलती है. For your information, I can speak English. That's a good thing. जहाँ तक कि बहुआयामी व्यक्तित्व की बात है, मैं इसे आपने जितने लोग मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त, मेरी बेटियाँ, मैं सभी को मानता हूँ. लेकिन उसके पहले ये लोग तो हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से जो मेरे जीवन में आई चीज़ें, मैं हिंदी मैगजीन्स, कॉमिक्स, हिंदी फिल्में, हिंदी टेलीविजन और जो मैं छोटे छोटे गांव में पला बड़ा हिंदुस्तान, वहाँ के जो ऑब्जर्वेशंस, वहाँ की जो सी जो है, ज़हीर कुरैशी एक शायर है, उनका एक शेर याद आता है मुझे, वो कहते हैं कि ज़िंदगी की पाठशाला ने सिखाया है बहुत और जो सिखाया है हमारे काम आया है. जो कुछ सीखा है वो ज़िंदगी की पाठशाला से सीखा है, तो इसी में वो व्यक्तित्व निकलते चले गए. जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन. ये तो आप मैं जानता हूँ, मेरी अब आपसे तारुफ रहने लगा है तो मुझे पता है कि आप एक तो संबंध कैसे निभाते हैं और दूसरा अपनी कमिटमेंट कैसे निभाते हैं. नाउ लेट मी फोकस ऑन दिस. ये OTT प्लेटफॉर्म जी, कंटेंट इज किंग, ये हम पिछले 20 साल से सुनते आ रहे हैं. फिर हमने सुना डिस्ट्रीब्यूशन इज द एम्परर. एंड जब आप OTT हेड से बात करेंगे, दे वांट टू मूव फ्रॉम अ एडवर्टाइजिंग लेड मॉडल टू अ सब्सक्रिप्शन लेड मॉडल. दैट्स वेयर द मीडिया इंडस्ट्री इज मूविंग टू. एंड फिर क्वालिटी पर फोकस हो जाता है. And masses also pay for quality. ऐसा नहीं कि masses want content for free. Masses go and watch a movie in the theater. They do. तो आप इतने सारे लोगों से interact करते हैं, आपने बोला आप भारत में जाते हैं, तो ये जिस तरह से आजकल OTT का content change हो रहा है और एक संदर्भ भी change हो रहा है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपका प्रश्न बड़ा विस्तृत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें. जहाँ तक सब्सक्रिप्शन मोड है तो बिल्कुल ठीक है, लोगों को अगर चीज़ पसंद आएगी तो उसे कहीं भी जाकर उसे खरीदेंगे, उसे देखना चाहेंगे. और दुनिया जितनी बड़ी होती जा रही है, आदमी उतना ही अकेला होता है. उसका साथी जो है वो सिर्फ उसका टेलीफोन रह गया और वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी के उदासी के क्षण जो है वो यहाँ पे उनसे निजात, वो उसे देखना चाहता है, बार बार देखना चाहता है. और रही बात कंटेंट की, तो यहाँ मेरा विचार थोड़ा सा अलग हो सकता है. शायद OTT प्लेटफॉर्म्स को ये लगता है कि वो जो थोड़ा ग्रोस है, वो जो थोड़ा अकेले में आप देख सकें, वही वो परिवार के साथ न देख सकें, शायद वो कंटेंट चलता हो ज़्यादा. हो सकता है नंबर्स ये कहते हों, शायद भाषा ऐसी बोली जाए जो भाषा सिर्फ दो दोस्त आपस में बोल सकते हैं, परिवार में नहीं बोल सकते, वो भाषा बड़ी कॉमन होने लगी है. शायद ऐसा कॉन्टेंट दिखाया जाए तो वो चलेगा या वही चलता है. मैं इस राय से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि निश्चित तौर पर नंबर्स तो दे रहा है और दे रहा होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं और देखते होंगे. लेकिन मुझे लगता है कि कंटेंट अगर और इस तरह का हो जो हमारी जड़ों से जुड़ा हो, जो हमारे रूट्स से जुड़ा हो, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा. इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स में ऐसे भी शोज़ हैं जिसमें एक भी ख़राब शब्द का उपयोग नहीं है, कहीं भी वल्गैरिटी नहीं है, कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ग्रोस हो, लेकिन वो भी बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से देखी जाती है और देखी जा रही है. तो मुझे लगता है कि हमें और थोड़ा सा हमारी रूट्स की तरफ जाना होगा. मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कंटेंट बनाने वाले जो हमारे मित्र हैं वो ये समझते हैं कि जो देश है वो यह इस मतलब इस एक स्टेशन से शुरू होके
इसी शहर में दूसरे स्टेशन तक खत्म हो गया। देश ये नहीं है, देश बहुत बड़ा है। आप देश की जड़ों तक जाइए तो आप देखेंगे कि लोग क्या पसंद करते हैं, लोग किसे चाहते हैं, लोग किस चीज़ को प्यार करते हैं। अगर वो कंटेंट बनेगा तो मुझे लगता है लोग और ज़्यादा जुड़ेंगे, वो आपकी तरफ और ज़्यादा खींचे चले आएंगे। एंड आई थिंक जैसे मैंने पहला शो OTT पे देखा था वो था बंदिश बैंडिट। दैट वाज माय फर्स्ट शो विच आई वॉच्ड ऑन OTT 2 years back, 6 August 2020। आई रिमेंबर दैट डेट बिकॉज वहाँ से उस दिन से मेरा OTT से नाता जुड़ा। पहली बार मैंने कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर देखा। संगीत का इतना बेहतरीन जो प्रदर्शन था उस शो में, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था जो आप परिवार के साथ बैठ के न देख सको। लेकिन सच अ ब्यूटीफुल मेकिंग, सच अ ब्यूटीफुल बैकड्रॉप और सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें भी बनती हैं और खूब बनती रहेंगी। और मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बने जो भारत की जड़ों से जुड़ी हों, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा और लोग ज़्यादा जुड़ेंगे भी। शैलेश जी, आप एक कॉलम लिखते हैं हर हफ्ते और सोशल इश्यूज पे डेली लिखते हैं, सॉरी, यू राइट अ सटायर डेली फॉर दैनिक भास्कर। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं, थीम्स हैं जो OTT कंटेंट में अभी भी नहीं दिख रहे हैं और जो दिखने चाहिए? आई थिंक बच्चों के लिए बहुत कम प्रोग्रामिंग है, मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं देखता, ये लोग ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा बनाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है चिल्ड्रन के लिए, यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है। मुझे लगता है उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम बने जो माँ बाप चाहें कि ये देखें, माँ बाप चाह, क्योंकि ज़माना ऐसा आ गया है। मुझे एक लतीफ़ा याद आता है कि पूरा परिवार टेलीविज़न साथ में देख रहा था और अचानक कोई ऐसा सीन आया, रिमोट एकदम ढूंढने लगे माता पिता तो नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर मुँह घुमाने लग गए। तो 2 मिनट बाद बच्चा बोला, बोले मम्मी मुँह इधर कर लो, सीन गया। तो आई थिंक मतलब पापा फिर भी देख रहे थे। फादर्स नेम वॉज अनुराग बत्रा, आई थिंक ही वुड वॉच। आई डोंट वांट यू टू रिवील इट, बट कोई बात नहीं। एनीवेज, बट मुझे लगता है, बट आई मस्ट टेल यू, जब मेरी बेटी छोटी थी, अब तो 18 साल की हो गई, तो मैं और नीति जब प्रार्थना को लेके जाते तब हमारा, तो आई रिमेंबर गोइंग टू मूवीज इधर, एंड जब कोई सीन आता था तो मैं उसकी आंखों के सामने ऐसे हाथ रखता। आई थिंक हम लोग उस जनरेशन, अभी मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी देखने गया, एंड यू नो आई वाज कूल बिकॉज़ शी इज 18। So, you know, I don't think, जमाना बदल गया, जमाना बदल भी, हम भी बदल गए हैं। ऐसा नहीं है हम लोग उतने वैसे नहीं रहे जैसे हम लोग हुआ करते थे, कि हमारी जनरेशन बदल गई। हम अपने पिताजी से गले नहीं मिलते क्योंकि हम उस जनरेशन के जो उनके सामने देख भी नहीं पाते, तो हमारी जनरेशन बदली है। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए ऐसी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए जो माँ बाप चाहें कि ये लोग देखें। देयर शुड बी सम, आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म फॉर द किड्स ओनली, नॉट द एनिमेशन। आई एम नॉट टॉकिंग द एनिमेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट कि बच्चों के लिए कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग हो जो परिवार के लोग चाहें कि इन्हें देखना चाहिए, क्योंकि आजकल परिवार के लोग चाहते हैं बच्चा कुछ ऐसा देखे जिससे कुछ उसे अच्छी चीज़ें मिले। शैलेश जी, मेरा आखिरी प्रश्न, और मैं 2-3 प्रश्न ऑडियंस से भी लूँगा जी। एक ऐसी चर्चा हो रही है कि 10 साल बाद टेलीविज़न नहीं रहेगा, लीनियर टेलीविज़न जी, या ब्रॉडकास्टिंग नहीं रहेगा। और मेरे को याद है मैंने एक कॉलम लिखा 10-12 साल पहले, मुझे गूगल करना पड़ेगा। आई सेट द एरा ऑफ नैरो कास्टिंग जी, 1-to-1, क्योंकि ऐसी स्टोरीज भी अपना एक्सप्रेशन पा रही हैं OTT पे जिनकी ऑडियंस थोड़ी कम है जी, और जो सीरियस स्टोरीज हैं बिल्कुल। और मैं बोलूँगा पिछले 3 साल में मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी थी द 2 पोप्स, जो बिल्कुल साफ सुथरी मूवी है जी। यू नो इट इज़ ओनली डायलॉग्स एंड कॉन्वर्सेशन, वेरी गुड सिनेमाटोग्राफी एंड ऑफकोर्स बहुत अच्छी एक्टिंग है। और ऐसे में हिंदी में भी 2-4 मैंने जो OTT पे देखे, तो आपको ऐसा लगता है कि कभी टेलीविज़न खत्म हो जाएगा ऐसा लगता है? आप हमारी रोजी रोटी खत्म करने में तुले हैं। मैं कौन होता हूँ शैलेश जी? देखिए, मुझे बहुत सीरियसली कहूँ तो ऐसा नहीं लगता कि ख़त्म हो जाएगा। जिस वक्त न्यूज़ चैनल्स आए थे तो लोगों को लगता था कि भाई अभी न्यूज़ अभी कुछ देश में घटा और अभी आपने देख लिया तो न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा, शायद प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रिंट मीडिया ने पिछले 10 साल में जो ग्रो किया है शायद वैसा पहले कभी नहीं किया था। न्यूज़ चैनल और वो भी हिंदी भाषी इंडियन लैंग्वेज कंटेंट। आप जाइए, आप बिहार यूपी जो हार्टलैंड में आप जाइए, और हमारे राजस्थान जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, दिन कोई भी घर ऐसा नहीं है जो अखबार के बिना दिन की शुरुआत होती है। और जितने हिंदी अखबार होते हैं सारे के सारे आते हैं। प्रिंट मीडिया ख़त्म नहीं हुआ न्यूज़ चैनल के आने से, OTT के आने से भी टेलीविज़न ख़त्म हो जाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देश 140 करोड़ लोगों का जो देश है, देश की जो बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जहाँ तक OTT की शायद पहुँचना, और पहुँच हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि टेलीविज़न कभी ख़त्म होगा। साइज आई डो नॉट नो, इट मे श्रिंक, वी डो नॉट नो अबाउट इट, लेकिन मुझे उम्मीद भी है और ऐसा मैं सोचता भी हूँ कि टेलीविज़न समाप्त नहीं होगा कभी।
थैंक यू सो मच. मैं आपसे प्रश्न पूछता रहूँगा, लेकिन वी हैव शैलोश लोधा जी अमंगस्ट अस. एक दो अगर ऑडियंस के प्रश्न हैं तो मैं ले सकता हूँ. इफ देयर क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर चंद्रकांत सालुंके, क्वेश्चन प्रश्न पूछना चाहते हैं, इफ़ यू कैन गेट अ माइक टू हिम एंड मेक योर क्वेश्चन शॉर्ट. टेल अस हु यू आर एंड व्हाट यू डू ब्रीफली. चंद्रकांत सालुंके है, जैसे नाम ही काफी है. अनुराग जी ने जैसे कहा कि टेलीविजन 10 साल के बाद खत्म होगा, हम कोशिश करते हैं कि 9 बजे पहुंचे और एक चैनल का जो सीरियल देखनी हो या सीरियल देखनी हो तो टाइम के मुकाबले देखते थे. बट अभी OTT पे बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आ गए हैं, एड फ्री आ गए, तो एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनियां या टेलीविजन में काम करने या नए सीरियल बनाने वाली, उनका फ्यूचर क्या होगा? देखिए, नदियां जब पहाड़ से चलती है सालू को साहब, तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है. मतलब चट्टान भी आएगा तो कहीं से निकल जाएगा, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है. एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्री है वो इतने सालों में जिस तरह से चेंज हुई, हम रेडियो से शुरू हुए थे और रेडियो स्पॉट्स, होर्डिंग्स, आउटडोर्स, प्रिंट मीडिया, फिर टेलीविजन, और अब जो एड फ्री भी है. अल्टीमेटली वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है तो पैसा वहाँ से कमा रहे हैं, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि एडवर्टाइजिंग का कोई ना कोई रास्ता वो ढूंढ लेंगे. अगर टेलीविजन नहीं है तो भी ऐसा नहीं कि विज्ञापन समाप्त हो जाएगा. दुनिया में विज्ञापनों ने हमेशा अपनी नई परिभाषा खुद गढ़ ली है. विज्ञापन किसी के मोहताज नहीं है कि अगर ये मीडियम होगा तो हम वहाँ चलेंगे, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे. आप देखिएगा, विज्ञापन कुछ भी कर सकते हैं, वो चौराहे पे यू नो द मॉडल्स वुड स्टैंड एंड हैव द होल्डिंग इन द हैंड, इट कुड बी एनीथिंग. डोंट वरी, डू नॉट थिंक योर एडवर्टाइजिंग फ्रेंड्स विल डू वेल. सुभाष, डोंट वरी, यू कैन बी अ म्यूजिशियन एंड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी सीईओ बोथ एट द सेम टाइम. दे आर द क्रिएटिव. डोंट वरी, आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई जस्ट रेड अ रिसर्च फ्रॉम द US वेयर मेनस्ट्रीम बिग ब्रांड्स आर increasing their budgets on mainstream television, mainstream newspapers, mainstream. So, you know, they believe that it's time to build brands, you know. Second, I want to tell you that AVOD industry is right now bigger than SVOD, advertising-led video on demand and subscription video on demand. But agle 3-5 saal mein, main exactly nahi keh sakta, wo dono barabar hongi, aur at some stage, SVOD will become the bigger than AVOD. But I mean, I can make a prediction, but it may happen faster than that. We'll take one more question if there's anybody has a question. There's a lady. Yes. Can we get a mic to her? Good evening. My name is Shayanti Banerjee. I'm also a professional anchor. आपने जिक्र किया कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए मेरे जैसे hairless, toothless infant. Exactly, like sir. तो वैसे content बनाने की जरूरत है. But I think there are a lot of sources today from where kids get a lot of information which may not come to them like in the proper way if there's so much of filtering happening. So, kya aapko nahi lagta hai they should be exposed to everything and then they should make their correct selection? So, you know, I think what he's asking is what are the limits to which you can push the content? See, that's that's how I'd look at the question. That's a very subjective question and that's a subjective answer too. कि आप limits, जो आप limitations लगाना चाहते हैं वो it depends on the person, right? जैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों, जो बहुत सारे पिता ऐसे हों जो अपने बेटे के साथ बैठ के शाम को ड्रिंक करने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं हो, लेकिन शायद मेरे परिवार में ऐसा नहीं होता. तो limitations are also very subjective. कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, ये उनके परिवार के लोग या वो खुद तय कर सकते हैं, हम लोग तय नहीं कर सकते. लेकिन बच्चों के लिए इस समाज में कुछ नीति निर्धारण ज़रूर है कि उन्हें क्या नहीं देखना चाहिए, इतना तो हमें भी पता है, इतना हम भी समझते हैं. तो मेरे ख्याल से उनके जो दोस्त हैं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम जस्ट रीफ्रेमिंग माय क्वेश्चन, बिकॉज़ अगर शायद आप एंकर हैं सो यू कैन इंटरप्ट. थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर. तो आपके घर पे अगर आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो जरूरी नहीं है कि ही इज नॉट वॉचिंग विद हिज फ्रेंड्स इन अनदर हाउस एंड मे बी दैट विल बी मोर एक्साइटिंग फॉर हिम. देखिए, पाबंदी लगते हैं उसी में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है. कैन आल्सो, आई हैव टू चिल्ड्रन एंड माय वाइफ स्पेंड्स मच मोर टाइम देन आई डू, दैट्स व्हाई दे डू ओके. But I must tell you, at the end of the day, it's the value system in your home that will create the kind of children. They know what to see. And unko jitna naam bologe, jitna taboo banaoge, wo jyada, they'll be more attracted towards that. अदरा इसको बिना टैबू बनाए, जैसे शायरी ने क्वेश्चन किया, जो जवाब दिया कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बाहर अपने बच्चों फ्रेंड से एक्सपोजर ले लेगा, तो आप कैसे रोकोगे? देखिए, ये बहुत कन्वीनियंट तरीका है किसी चीज़ को ना करने का. ये तो ऐसा ही है कि भाई अगर तू हेलमेट पहन के जाएगा तो भी एक्सीडेंट हो सकता है ना, तो हेलमेट मत पहन. ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में, आपको प्रिकॉशन और सावधानियाँ रखनी होती है.
आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार तू ये पहन के भी जाएगा तो गिर सकता है ना, तो मत पहन के जा, ऐसा तो नहीं होता। तू बाहर अपने दोस्तों से सीख लेगा इसलिए घर में भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, उसे बिना टैबू बनाए भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, बिना उस पर प्रेशर बनाए, बिना उस पर जोर डाले बहुत सारी चीज़ें की। और दुनिया बहुत बड़ी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो कहीं ना कहीं से उसको एक्सपोजर मिल जाएगा, लेकिन जब तक न मिले तब तक ठीक है, हम ये प्रयास तो कर ही सकते हैं। और जब तक वो बच्चा परिपक्व हो जाए, यू नो आई थिंक टुडे आई कैन से एंड आई वाज सेइंग इट टू आइदर दीपाली और सम वन ऑफ माय फ्रेंड्स आई मेट ड्यूरिंग द डे, द चिल्ड्रन एट टुडेज एज आई थिंक दे आर एटलीस्ट 5 years अहेड इफ नॉट 8 years अहेड, सो यू नो दे आर ऑल्सो, यू नो आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी मैच्योर इन अ गुड वे, ओके, दे नो वॉट टू अवॉइड, इन द मोर यू मेक इट टैबू इट डजंट वर्क। एंड आई वॉन्ट टू एड जस्ट वन थिंग, वाई आई रेज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट जस्ट केम इन माई माइंड बिकॉज मेरी बड़ी पॉपुलर पोइट्री में बच्चे ढूंढ रहा हूँ, बहुत लंबी है और कविता में ऐसे सुनाता भी नहीं हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ एक लाइन है जो उसकी आत्मा है, आई डोंट गेट किड्स दीज डेज, नहीं मिलते मुझे, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस ज़माने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने दिया जाए। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू शैली जी, वी वुड स्टार्ट द अवार्ड बट जाने से एक आप कवि हैं जी, और हमारे को, मेरे को ऐसा लगता है कि आज आपका समय मिला है, और तो आप आज के सामाजिक सरोकार और हमारे OTT के अवार्ड्स हैं ई फॉर एम्प्ले मीडिया पे, एक मैं आपसे कविता चाहूँगा, मिस्टर अविनाश पॉल भी बैठे हैं मीडिया पे कविता, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अभी लिखो भाई तुम, नहीं नहीं आप मुझे प्राइवेटली जो बताते रहते हैं वो थोड़ा बताइए, जैसे आपने बोला कि आप एंकर हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, हाँ वो शाइनी ने बताया था वो प्रोफेशनल एंकर है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर एंकर पे तो नहीं, आप क्या चाहते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे जो तमाम दोस्त हैं वो मुझसे नाराज हो जाए, फोन करें फिर दिल्ली से मुझे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा संयत हमें होना चाहिए, जितनी उत्तेजना हमने मीडिया में देखी इन दिनों, जो टेबल बजा बजा के हम लोग जो बात करते हैं, जो चिल्ला के बात करते हैं, जो हमारे स्वर को उच्चतम स्वर में ले जा के बात करते हैं, हम बहुत संयत और शांत स्वर में भी बात कर सकते हैं, लोग सवाल पूछते नहीं हैं, लोग सवाल थोपते हैं, लोग उत्तर नहीं चाहते, आपके मुँह में शब्द डालना चाहते हैं, लोग आपकी राय नहीं चाहते, अपनी राय आप पर थोपना चाहते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू, ये बिल्कुल ठीक है। और रही बात कविता की, तो मीडिया पे मैंने कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन आज का जो ज़माना है, जो हम इतने स्वार्थी हो गए, तो मुझे सिर्फ मेरा एक शेर याद आता है कि वो आज मुझे देखकर मुस्कुराया है, लगता है कोई काम निकल आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैं इनसे अक्सर मुस्कुराता रहता हूँ, अक्सर काम पड़ता रहता है। थैंक यू अनुराग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, प्लीज गिव शैलेश लोधा जी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एक दिल से ताली बजाइए थोड़ा तेज। Thank you, Shelley ji.